100 रुपए किलो सॉल्ट। सीधा जाता है हमारा काला टिप, काली टिप, काला टिब्बा, क्या कह रहा हूँ मैं। बर्फ पड़ सकती है कभी भी, बर्फ तो चलो नहीं पर हाँ स्नोफॉल नहीं, बारिश हो सकती है। वेलकम बैक टू माई चैनल, आई होप आप सभी ठीक हैं। सो गाइज, आज हम जा रहे हैं घूमने। कहाँ जा रहे हैं? चायल जाने का प्रोग्राम है, क्योंकि परसों वहाँ पे स्नोफॉल हुई है ना, तो स्नोफॉल में भी जाने का मन है, तो चलिए चलते हैं। इस घर से निकल रहा हूँ पर यहाँ पर लग रहा है अभी ट्रैफिक जाम, क्योंकि सड़क का काम चल रहा है ना, तो आगे थोड़ी जगह भी तंग है, तो इन्होंने मशीन लगाई हुई है तो ट्रैफिक जाम है। बाकी गाइस, अपने साथ मेरा भाई जा रहा है जो कि फरीदाबाद रहता है, तो वो अभी आ रहा है परवानू से, क्योंकि उसकी नानी का घर है वहाँ पे, और उसकी दो बहनें हैं और उसकी मम्मा और मैं, तो हम पांच जने हैं जो कि चायल जा रहे हैं। तो चलिए फाइनली गाइस, एक घंटे के बाद रोड खुला है, अब चलते हैं आगे, करते हैं गाड़ी स्टार्ट और निकलते हैं चायल के लिए, वो भी वेट कर रहे होंगे धर्मपुर। सो गाइस, अभी धर्मपुर खड़ा हूँ, भाई वगैरह अभी आए नहीं है, तो सनवारा टोल पहुँचे थे, बस वही 5-10 मिनट लगेंगे अभी यहाँ धर्मपुर पहुँचने में, तो फिर चलेंगे हम। बाकी गाइस, आज हम इग्निस से जा रहे हैं, मेरे चाचू की गाड़ी है, और वेदर देखिए जरा। सो गाइज, अभी पहुंचे हैं हम कंडा घाट, और ये आगे आपके नेशनल हाईवे 5, और इधर से अपने को राइट कट लेना पड़ता है, ये रोड जा रहा है अपने चायल शादुपुल होते हुए, और ये जो पीक दिख रही है ना बाहर, ये है अपना काली टिब्बा और चायल भी, देखिए हल्की हल्की बर्फ है वहाँ पे, तो उधर जाना है हमने अभी, यहाँ से 1 घंटा लगेगा करीब, और यहाँ अपना भाई थोड़े से स्नैक्स वगैरह ले रहा है। सो गाइस, यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं शादुपुल, और यहाँ पे नीचे नदी और वाटर स्पोर्ट भी होता है यहाँ पे, पर अभी ठंड है गर्मियों में। सो गाइस, अगर हम यहाँ से सीधा चल जाएं तो जुनगा, और राइट हो जाएं तो चायल अपना। अभी यहाँ रुके हैं, थोड़ा सा ब्रेक लिया है 5 मिनट का, बाकी चायल यहाँ से 10 किलोमीटर रह रहा है, तो अभी चलेंगे। बर्फ़ तो अभी तक आई नहीं है, बाकी ऊपर है बर्फ की, दूर से दिख रही थी, आपको भी दिखाई है मैंने। तो गाइस, ये है पुरु की मम्मी, मेरी चाची, और चुन्नू दी एंड ईशु दी, और गाइस ये आ रहा है अपना प्रणव। और बोलो ना थोड़ा सा, ताकि पूरी ऐसी हो जाए स्टोरी की। फाइनली गाइस, स्नो चारों तरफ हमारे, सब खुश, बर्फ दिख गई। हाँ, मुबारक हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल। सो गाइस, बर्फ देखिए जरा, और ये पानी है इधर पूरा जमा हुआ है, छोटी सी लेक टाइप की है, और इधर देखिए ऊपर बर्फ ही बर्फ। तो गाइस, जो ये रास्ता है ना, ये है हमारा काली टिब्बा वाला रास्ता, तो
चायल से 2-3 किलोमीटर पहले ही कटता है, सीधा जाता है हमारा काली टिब्बा को। और वहाँ से अगर हम लेफ्ट ले लें तो वो चायल मार्केट, मेन बाज़ार चायल, और फिर सीधा सीधा ही चल जाए तो कुफरी पहुँच जाता है रास्ता। तो ऐसा कुछ है, बाकी मज़े कर रहे हैं यहाँ सब। देखिए ज़रा उसके सॉक्स में ज़रा बर्फ़ चल गई तो गिल्ली होगी, तो अभी पहन रहा है वो। सो गाइस जहाँ बर्फ उड़े, ये कौन आ गया भाई, जहाँ बर्फ़ पड़ती है ना वहाँ ऐसे ऐसे पेड़ होते हैं। सो गाइस अभी हम आए हैं चायल पैलेस, तो अंदर चलते हैं आपको दिखाते हैं अगर परमिशन मिली तो। क्यों भाई, सही बात है जी। गाइस आपको यहाँ पे काफ़ी सारी एंटिक चीज़ें देखने को मिलेगी, और यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है जहाँ पे आप लंच वगैरह कर सकते हैं, और शायद यहाँ पे रुक भी सकते हैं। ऊपर चलते हैं अब। बाकी गाइस यहाँ पे आपको रॉयल बार भी मिलेगा, चलो अंदर चलते हैं आपको दिखाते हैं ज़रा। तो ऐसा कुछ है भाई, इस टाइम स्नोफॉल हो जाए तो मज़े आ जाएंगे, क्यों बढ़िया सही बात है। स्वाद जिसे कहते हैं ना, स्वाद आना वो आ जाएगा। लग तो रहा है, बल्कि अभी मौसम कुछ बन रहा है, पर स्नोफॉल होती नहीं होती कुछ पता नहीं है। अच्छा यहाँ से रास्ता। सो गाइस जहाँ देखिए वहाँ बर्फ बर्फ ही बर्फ, चारों तरफ बर्फ भाई। क्योंकि गाइस अभी जैसे दिन है ना, तो फिसलना थोड़ा मुश्किल है इस पर, मतलब कि फिसल सकते हैं ऐसा नहीं है, पर हाँ थोड़ा सा सेफ है अभी चलना। बाकी जब तो ये बिल्कुल रात को बर्फ आइस बन जाएगी तब हम फिसल सकते हैं, तब थोड़ा रिस्की है इस पर चलना। बाकी यहाँ कैफ़े रॉयल भी है, ये देखिए इधर छोटा सा कैफ़े, और ये यहाँ से व्यू पूरी पूरी तरफ बर्फ ही बर्फ। हथियार तैयार है हमारे, आ जाओ। तेरे साथ ही होएगा। मैं क्यों रहूं पीछे। तो गाइस अभी हमने वापस जाना है, पर मौसम देख के ऐसा लग रहा है कि स्नोफॉल हो सकती है। देखिए जरा ऊपर क्लाउड्स देखिए, बिल्कुल काले हो रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा अगर हो जाए, मज़ा ही आ जाएगा। गाइस बर्फ बर्फ ही बर्फ देखिए जरा चारों तरफ, 100 रुपये किलो सॉल्ट। बर्फ खा लो बर्फ। पेड़ देखिए जरा, पेड़ गंजा पेड़। अरे क्यों लट रहे भाई तुम, है भाई गंजा पेड़ गाइस गंजा। देखिए जरा ठंड में बेचारा गंजा हो गया, और इधर कुत्ते लड़ रहे हैं पता नहीं क्यों। और ये है यहाँ का व्यू, बारिश पता नहीं गाइस आएगी नहीं आएगी, स्नोफॉल होएगी नहीं होएगी कुछ पता नहीं अभी। बाकी इंजॉयमेंट चल रहा है, पूरा फोटो से ले रहे हैं सारे जने खुल के, तो अब हम भी 2-4 फोटोज लिए है। और यहाँ देखिए जरा खाली बोतल पड़ी है, कचरा फैलाया है। देख गाइस ये देखिए जरा बेचारे ठंड में, इधर इन्होंने गड्ढा बनाया हुआ है, इसमें सो रहे हैं बेचारे ठंड में, क्या करें। ये भी बर्फ पड़ सकती है कभी भी, बर्फ तो चलो नहीं, पर हाँ स्नोफॉल नहीं, बारिश हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। सो गाइस अब करते हैं बर्फ़ को बाय बाय और वापसी चलते हैं, क्योंकि मौसम हो रहा है ख़राब, और ऐसे ना हो कि स्नोफॉल पड़ जाए, ज़्यादा ही हो जाए और हम वापस ना जा पाएँ। तो निकलते हैं अब वापस, क्यों भाई ठीक नहीं है। चलो भाई घर ठंड लगी, चलो ही चलो, ठंड भी है हाँ अब लगने लगी, क्योंकि थोड़ा टेम्परेचर डाउन चला गया ना, शाम होगी 4 बजने वाले हैं, तो अब निकलते हैं। और ये देखिए ऊपर छत से पानी आ रहा है इधर ऊपर, क्योंकि बर्फ़ मेल्ट हो रही है ना हल्की हल्की, और ये सारा इधर इकट्ठा हो रहा है। गाइस बारिश स्टार्ट हो चुकी है, और टेम्परेचर अभी का गाड़ी दिखा रही है 5 डिग्री। 5 तो है नहीं, कम है वैसे। हाँ थोड़ा ऊपर ऊपर नीचे ही होता है ना। गाइस देखिए हल्की हल्की स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है, अभी तेज़ हुए तो हम उतरें, क्योंकि अभी हल्का हल्का पानी भी ज़्यादा आ रहा है, हम भीग जाएंगे अगर उतरे ना, तो ऐसा कुछ है। बाकी देखते हैं कि हल्की हल्की बर्फ़ दिख रही होगी आपको चद्दर पे,
अपनी गाड़ी के छत पे। तो देखिए बाकी गाइस वेट कर रहे हैं अभी कि थोड़ी बर्फ तेज गिरने लग जाए और बड़ी बड़ी, तो मज़ा आ जाएगा। बाकी ये देखिए जरा फॉरेस्ट कितना ज़्यादा घना है नीचे को। गाइस मोटी मोटी स्नोफॉल हो रही है अब तो, मोटी मोटी क्यों प्रणाम? अरे भाई बोल दे कुछ। बहुत जोर से भाई, बहुत जोर से। देखो जरा, देखो गाइस ऊपर देखिए, नीचे देखिए, नीचे ये देखिए। अरे ये तो ओले है भाई। ओ भाई बहुत पड़ रही है भाई, देखिए जरा देखिए। सो गाइस अगर यहाँ से हम राइट ले लें तो ये रोड हमारे को आगे कुफरी ले जाएगा, पर हमें जाना नहीं है कुफरी क्योंकि यहीं पे इतनी ज़्यादा बर्फ है कुफरी में, तो पता नहीं क्या ही हाल हो रहा होगा। क्यों भाई? और वहाँ शायद रोड भी बंद हो, तो हम तो यहीं से वापसी हो रहे हैं अपने। गाइस वेदर देखिए जरा कैसा हो रहा है, बढ़िया। और ये आगे से गाड़ी आती हुई, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लगानी है ऐसे में, अपने आराम से चलते रहिए क्योंकि ब्रेक लगाई तो गाड़ी तो रुकेगी नहीं, और बस फिर रुकने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और मौसम काफ़ी बढ़िया हो रहा है, अभी तो हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही थी पर फिर बंद होगी, तो हम निकल आए वहाँ से। और आप जरा व्यू देखिए गाइस। सो गाइस अभी हम रुके हैं साधु पुल, और ये यहाँ पे रिवर, और ये साधु पुल का पुल, और यहाँ पे हम रुके थे कुछ खाने पीने, स्नैक्स वगैरह, मैगी वगैरह, पर यहाँ पे तो बंद है सब कुछ, रेस्टोरेंट ढाबा वगैरह सब बंद है। तो अब देखते हैं आगे चलेंगे, आगे चलते हैं, अब आगे चल के खाएंगे। बारिश भी हो रही है हल्की हल्की, तो चलते हैं देखते हैं कहीं मिलता है कुछ तो खाते हैं। सो गाइस शादु पुल से थोड़ा आगे और कंडा घाट से थोड़ा पीछे रुके हैं, थोड़ा सा कुछ खा लेंगे यहाँ पे, एक छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप ही है ये दिख गया यहाँ पे। और बाकी यहाँ से व्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ रहा है, तो देखिए ज़रा व्यू। और वो नीचे रिवर दिख रही है, बाकी बारिश भी हो रही है हल्की हल्की, तो अंदर चलते हैं। और ये देखिए इधर कितने अच्छा लग रहा है ये हल्की हल्की सनलाइट के साथ, तो अब अंदर चलते हैं। तो गाइस गर्मा गर्म मैगी आ चुकी है, अब खाते हैं, सब खा रहे हैं। गाइस यहाँ देखिए जरा ओले रास्ते में कितने सारे पड़े हुए हैं, और अभी हम जहाँ रुके थे ना मैगी वगैरह खाने वहाँ पे ऐसा हुआ कि दो तीन बार ना लाइटनिंग हुई, और वो बहुत ज़ोर से हुई, बहुत ज़ोर से, और हम सब डर गए और वहाँ से भागे भागे आगे भागे भागे। कॉफ़ी का ऑर्डर दिया था हमने, वो भी कैंसिल करवा दिया, मैं कह नहीं भाई हम जा रहे हैं तो ऐसा कुछ हुआ। बाकी अब यहाँ से एक डेढ़ घंटे का रास्ता रह रहा है घर को, तो बस पहुँच जाएंगे हम साढ़े सात तक। हम गए थे चायल बर्फ़ देखने, और हमारे सोलन में ही पड़ गई बर्फ़ ठीक ठाक, मतलब देखिए जरा इधर वाइट ही हो रहा है, वैसे रात में दिखेगा कुछ नहीं पर इस सड़क पे देखिए आप वाइट वाइट हो रहा है, तो ये बर्फ ही है। तो फाइनली गाइस घर आ चुके हैं, अब बैठे हैं यहाँ पे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अब आपको मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय। और भाई रिलैक्स करो।